सेवन मंडल के सामने वाली सड़क का सीवरेज लाइन डालने के बाद दुरुस्तीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन घटिया निर्माण के चलते सड़क उखड़ने लगी है। इसको लेकर पूर्व पार्षद ब्रजेश शर्मा नीटू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर उखड़ी हुई सड़कों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। नीटू ने यूआईटी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बंदर से सब्जी मंडी की तरफ जाने वाला जो कई माह से खराब पड़ा हुआ था, यहाँ के स्थानीय नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जब यूआईटी को अवगत कराया गया, यहाँ प्रदर्शन किया गया, उसके बाद इस रोड को पूरा नया बनाया गया है। लेकिन दुख का विषय यह है कि मात्र 15 दिन इस रोड को बने हुए हैं, पुनः ये नया का नया रोड वापिस उखड़ रहा है। आपने इसकी क्वालिटी देखी, पाँव से ठोकर मारते ही डामर निकल रहा है। सीधे सीधे हम आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अधिशासी अभियंता से लेकर सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता कोई भी जब रोड का निर्माण हो रहा था यहाँ नहीं खड़े थे, जबकि सीधा सीधा यह नियम है कि जब भी रोड पे पेवर हो, डामर हो, तो कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता का यहाँ खड़ा रहना जरूरी है, आप देख रहे हैं। वहीं यूआईटी के सहायक अभियंता भुवनेश मीणा के अनुसार सेवन वंडर के बाहर की सड़क की फाइनल लेयर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं मौके पर जाकर देखा है, उखड़ी हुई जगह को वापस रिपेयर करवाया जाएगा।